नमस्कार दर्शकों, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय सोनीपत गुड़ मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ सोनीपत की बात की जाए तो किस तरह के काम सोनीपत में हुए हैं और क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम अंकल जी? महेश कुमार जिंदल। अच्छा जी, तो क्या कहोगे किस तरह के काम सोनीपत में हुए हैं? अब आप क्या आज्ञा जी, बैठे खाली सारे काम चहनी। अब व्यापारी जो है आज सरकार से दुखी है। व्यापारी तो घना दुखी है जी। घना दुखी है। हाँ, जैसे सांसद है, विधायक है, मेयर है, इनने किस तरीके के काम करवाए व्यापारी के लिए? किसी ने कुछ करवाया ऐसा जी? इनके पास समस्या लेके जाओ अपनी, मना तो कोई करता नहीं। हाँ, सारे वृद्ध वही करेंगे। अच्छा हैं, और भाई कुछ करा भी दे, मैंने कहा तुझे नहीं कराते। देखो जी, हालात तो जिस तरह पंजाब महापाल्टी के बन रहे ना, नो हरियाणा महापाल्टी नजर आवे। आप पाल्टी नजर। हाँ, इन तो सारा तो छक लिए। हाँ, आप पाल्टी नजर आओ जी, मापना तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर है पंजाब का हरियाणा पे पड़ना है। अच्छा, जितने भी चुनाव लड़ा था 2019 में, जितने नेता थे अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी तक कविता जैन ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से सुरेंद्र पवार जी ने, हाँ, और एक जेजेपी से अमित बिंदल ने। अमित बिंदल ने। अब तो बेचारे हार गए, तो अमित बिंदल जी तो। अमित बिंदल हार गए। हाँ, हार गए के वोट टाउनी कितनी आई, मतलब जो भी अब तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर लेना। वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर लेना। तनु बताओ ने वो यो ठीक करया गलत करया, वो जेजेपी छोड़ के बीजेपी में गए? देखो जी, वो तो उनका अपना वो है ना जी, उसके बारे में हम क्या कह सके। नहीं, आपके हिसाब से ये ठीक रहेगा गलत रहेगा? हैं, बीजेपी में जाना जेजेपी छोड़ के ठीक रहेगा गलत रहेगा? वो तो उसकी अपनी पर्सनल वो है जी। अच्छा, तो उसके बारे में हम क्या कह सके। क्या नाम अंकल जी? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, नो बताओ जी, किसे काम हुए सोनीपत में? काम तो कुछ मंदे हो रहे हैं भाई। मंदे हो रहे हैं? विकास कार्य भी कि मैं करवाए सरकार ने गए भाई? विकास काम न के बिरा के करवावे के नहीं नहीं हुए भाई साहब, नहीं हुए विकास। आपके यहाँ मंडी में क्या क्या समस्याएं हैं? पुल के ऊपर तो सारे इतने गड्ढे हो रहे हैं, जो गोने अड्डे वाला है वहाँ स्कूटी ले जाओ तो आदमी जो होता है भाई, गिरा। अच्छा। हाँ, पुल कहाँ गिरा है? वो अभी ठीक कह रहे हैं। फिर ये जो आपके नुमाइंदे हैं यहाँ, मेयर है, एमएलए है, सांसद है, आ जाओ है ना जी? ना कोई किसी ना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, इन्हें भी सीधा इन्हें अपना चोट इन्हें चोट दर्द आ गई है अपना छुट्टी। अच्छा, फिर के छूट से किसे? हाँ, अच्छा, ये भी आम आदमी पार्टी के में करेगी भाई? इसके बारे में हमने कुछ बेरा नहीं, हमने इतने हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा कि पड़ेगा ना जी? ना। अच्छा, हम इतने छोट सारे एक साथ हाँ। समाधान लग गई बीजेपी ते। हाँ जी, मंत्री भी थी लागे सोनीपत में, जितने काम मंत्री रहते होने चाहिए तो उतने हुए? काम कुछ ना करता जी कोई भी, किसी के भी ना को काम हुए बिना शक्ल भी ना दिखाते तुम काम की को। तो उसके बाद फिर जो चुनाव होया तो वो तो घनी वोटा था राधी सोनीपत आने ने। हाँ, जब वो तार दिया ना लिंडा तार दिया लोगों ने, फिर आगे बीजेपी का क्यों कुर्सूत बैठ सके सोनीपत में बैठ सके? देखो जी, वो तो समय बताओगा, अभी तो फिलहाल तक के कह सके। कोई नया चेहरा होगा तो जी? नया चेहरा होगा ना, काम में ना करा होगा तो नया चेहरा के करा, कोई कुछ थोड़ी ना। फिर वो ललित बत्रा भी घनी वोटा था राधी मंडी में तो कदे आया नहीं ललित पत्रा, वहाँ कच्चे क्वार्टर या फैज बाजार में लग गया रहा। अच्छा, तो यहाँ कोई आवे जब समस्या सुनाए, किसी का काम कोई होवे जब तो रहा बैठे जी। तो नेता कौन सा बढ़िया लग गया जी? कोई बढ़िया लग गया? नेता सब बराबर है जी। अरे वो जेजेपी तो लड़ा था अमित बिंदल ने चुनाव, उसका डायरेक्ट वोट आई थी ना जी? ना कुछ नहीं जाना भी नथिंग ना जी, कोई ना जानता। किसका नाम? राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार जिंदल जी। किस तरह का काम सोनीपत में सरकार के द्वारा करवाया गया है, क्या कुछ मांगते हैं?
मैं कहूँ जी सरकार देख महंगाई तो बड़ी भी है जी जी, मिस लो उस पर तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा, और अब तेल के दाम देख लो फिर दोबारा बढ़ गए, और रही बात स्थिति सरकार को अभी काम तो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ देखो स्टेशन के पास बहुत कूड़ा आया गेट के पास है, करते तो हम जाते भी तो सोच रखे सरकार कुछ काम, सरकार ठीक भी कर रही है और कुछ सरकार हल्के में भी रह रही है, काम सही नहीं कर रही। आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे वो किन मुद्दों पर लगता आपको दिखाई देंगे? भाई मेन मुद्दा तो यही है जी, एक तो यही भाई जो हमारा जो बना हुआ है ओवर ब्रिज कह ले उसको, ये ठीक नहीं है, ये आने जाने का अगर रास्ता डबल हो जाए तो बहुत 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 आम आदमी पार्टी का कुछ प्रभाव रहेगा? जिस तरह आम आदमी पार्टी आ रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है आने वाले समय में फाइट हो सकती है तीनों में, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली, उसका हरियाणा में प्रभाव? पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, तो क्या लगता है जो अगला चुनाव होगा यहाँ से चेहरों पर डिपेंड करेगा? हाँ पार्टी और चेहरे दोनों पर डिपेंड करेगा जी, बिना चेहरे के भी ऐसा नहीं है, चेहरे पर भी डिपेंड करेगा। तो आपके यहाँ से पिछली बार जो चुनाव लड़ा था बीजेपी से कविता जैन ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से सुरेंद्र पवार ने और जेजेपी से अमित बिंदल ने, तो अमित बिंदल को तो हजारक वोट मुश्किल से मिले होंगे यहाँ, क्योंकि जेजेपी का वो नहीं है जी, यहाँ प्रभाव नहीं है ना जेजेपी का। अच्छा अच्छा, इसलिए तो वो हजारक वोट भी पर्सनली ये मिले होंगे उन लोगों को? पर्सनली है, जेजेपी का तो वो है नहीं कुछ। अमित बिंदल का कुछ करवाया आपके यहाँ? नहीं, अमित बिंदल भी पूरी सुनवाई करता है, ऐसी बात नहीं, मैंने सुना है लोगों जो कर मिष्ठान पीछे में कह रहे थे कि मिठाई की दुकान नहीं खुल रही थी, ये इकट्ठे हो गए अमित बिंदल के पास, तो उसने कार्रवाई कराई, चाहे दूसरे जी से कही किसको भी कही, डीसी को कह के उन्होंने कार्य कराया। कितने लोग आपके यहाँ जानते होंगे अमित बिंदल को भी, जानते आपके एरिया में यहाँ? हाँ मतलब जब ये पार्टी में थी जेजेपी में, जब इतना संपर्क रहा फिर दोबारा ने बीजेपी ज्वाइन करी, अब तो आप लोगों से ज़्यादा संपर्क कर रही है बीजेपी में, ठीक करें ना जेजेपी छोड़ कर जी, उन्हें व्यवसाय उन्हें अपना व्यवसाय बीजेपी में नजर आया होगा, क्योंकि जेजेपी का तो यहाँ प्रभाव है नहीं, इसलिए उसमें भविष्य नहीं था उनका, इसलिए बीजेपी में आए होंगे। सर आपका? सुरेश गुप्ता है जी। गुप्ता जी क्या लगता है अब जो सरकार है वो किस तरह के कार्य सोनीपत में करवाए जा रहे हैं? सोनीपत में काम अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, सफाई सड़कें ठीक हैं, दुकानदारों के लिए बिजली पानी की कोई शिकायत है नहीं अब तो। यहाँ के मंडी में कोई समस्या है? मंडी में कोई समस्या नहीं है, मंडी में बिजली पूरी रहती है और हमारे को सड़कों की इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अमित बिंदल है उनको जानते हैं आपके यहाँ गुड़ मंडी में? कोई जानते, अब तो बीजेपी में ही आ गए, शामिल हो गए बीजेपी में। हाँ, जेजेपी भी छोड़ दी उन्होंने। हाँ, अब तो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, जैसे फंक्शनों में जाए अब बीजेपी वाले आए हुए हैं तो साथ मारते हैं वो भी। अब तो ये उनका जो फैसला है बीजेपी में आना, ये सही रहेगा गलत रहेगा? मेरे ख्याल में तो ठीक रहना चाहिए, ठीक रहेगा। करवाया कुछ अमित बिंदल नहीं आपके मंडी में ना? अभी तो क्या करवाएंगे, एक बार बताओ, अभी तो कार्यकर्ता हैं जो उनके डिमांड जाती है वो आगे प्रोसेस कर देते हैं, कहीं दफ्तर में किसी का काम नहीं हो रहा वहाँ जा कर उनके साथ चले जाते हैं, और उनके पास कोई अधिकार तो इस टाइम है नहीं, लेकिन समाज में आना जाना उन्होंने पूरा करा हुआ है। अजय गोयल, गोयल साहब क्या लगता है किस तरह के कार्य सोनीपत में हुए हैं? सोनीपत में कार्य ठीक ठाक से जी, कुछ विशेष ज़्यादा बढ़िया तो हो नहीं रहे जी। जी जी, आने जाने की समस्याएं तो हैं ही, सड़कें भी कई कहीं से बीच बार टूटी हुई हैं, तो व्हीकल की समस्या तो रहती है। आपके यहाँ की बात करें गुड़ मंडी की, यहाँ किस तरह के काम हुए हैं और क्या कुछ समस्याएं आपके यहाँ की हैं? समस्याएं तो सफाई व्यवस्था की समस्या है जी, पूर्ण रूप से मतलब कभी कभार सफाई होती है, पूर्ण रूप से नहीं होती डेली जैसी होनी चाहिए, और पानी की बड़ी भारी समस्या है, पानी का कोई समय नहीं आने का जाने का, कोई भी मतलब किसी भी टाइम आ जाता, कभी आ गया कभी आ गया नहीं आ गया, मतलब बार बार बोलना पड़ता है डालना पड़ता है आएगा नहीं आएगा, तो सफाई होती है तो कई बार कहना पड़ता तब होती है,
एक रूटीन में नहीं होती जैसी होनी चाहिए। अमित बिंदल को नहीं जानते आप? अभी मैं तो 5-7 दिन पहले ही पता लगा मेरे को, ऐसे नहीं जानता। उसने फोटो वोटो लगवा रखा ना बीजेपी में आने से, उससे पहले मैं नहीं पता कोई अमित बिंदल के। बीजेपी में आ गए तब पता चला? हमें नहीं पता था, अभी चुनाव लड़ा तब नहीं पता था। आपके यहाँ कितने आदमी जानते होंगे? नहीं जानते तो अभी तो जाने लगे हैं जी, पहले जानते मैं तो नहीं जानता था जी। मेरे अच्छा, अच्छा। और जानते होंगे हाँ जी, हाँ जी और जानते होंगे। अच्छा। लेकिन अब जैसे बीजेपी में पोस्टर लगाए हैं, एक दो बार दुकानों में भी आया है भाई, अब जैसे होली के फंक्शन भी आया हुआ था, तो उससे पता लगा भी अमित बिंदल आई है।